कोई खुद ताड़ी बेचता था तो किसी के पिता मजदूरी करते हैं, कोई किसान का बेटा है तो कोई सड़क पर सब्जी बेचने वाला। लेकिन एक बार उन्हें आनंद का साथ मिल गया तो मंजिल उनसे कैसे दूर रहती। हमारे साथ है आनंद के वो 30 स्टूडेंट्स जो इस साल IIT में दाखिला लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप अपनी कहानियां हमसे बांटें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आपसे कुछ सबक ले सकें। मेरा नाम आनंद किशोर है, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार में। मैं बचपन से पहला क्लास से 7 क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे गांव में कुछ कांड हो जाने के कारण हम लोग को हर जनजाति को पूरा दबाने लगे। मैं वहां पूरे फैमिली वहां से मैं पटना चला आया। इसके बाद पटना में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण मैं उस समय से पढ़ाई छोड़ दिया और मैं सब्जी रोड पर बेचने लगा। मेरे पिताजी भी बेचने लगे, दिन भर सब्जी बेचता था, रात को मैं पढ़ता था। किसी प्रकार से 3 साल मैं इस तरह से स्टडी करता रहा। उसके बाद 10th के एग्जाम दिया मैं और 10th पास किया एक छोटा सा गांव से, जोगीपुर हाई स्कूल बोलता है वहां से। इसके बाद मुझे पैसा की जरूरत पड़ी इंटर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो पापा पहले तार चढ़ते थे, लेकिन पैर टूट जाने के कारण तार नहीं छोड़ दिए थे। और 2-3 महीने का सीजन रहता ताड़ी का, तो ताड़ी हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था। तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच के IIT होता है। लेकिन मैं आज जाकर दिखाया उन लोगों को तो सब लोग हमें बोला कि अब मैं आपसे ताड़ी नहीं पूंगा, तू तो साहब हो गया। तो हमें भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन आगे मुझे भी अभी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। 4 साल तो मैं कॉलेज में रहूंगा, इसके बाद मैं एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम सोचने पड़ता खाने के लिए। हमें घर का बहुत टेंशन है। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं? ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिला है। वाओ। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड में च्यों गांव है उसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण घर से चले गए थे। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हम लोग 3 भाई हैं जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो 2 भाई इंटर तक पढ़कर बेरोजगार थे, तो उनको लगता था कि ये भी पढ़ेगा और फिर ये भी बेरोजगार रहेगा। मतलब पैसे के कारण हम लोग घर ही में रहते थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे हम 1 से 5 क्लास तक अपने गाँव में पढ़े हैं। प्राथमिक स्कूल में 5 तक ही पढ़ाई होती है, फिर 6 क्लास हम नहीं पढ़े हैं और फिर 7 से 10